हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सेशन प्रिपेयर किया गया है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जाम को लेकर। लेवल एग्जैक्टली वही है क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड। ये इस सीरीज का डे वन होगा। मैं कोशिश करूँगा कि रोजाना आपको एक वीडियो देने की कोशिश करूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे अप टू मेन्स एग्जाम। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, एलआईसी असिस्टेंट मेन के लिए भी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग के। तो आप अगर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखेंगे एलआईसी असिस्टेंट मेन की, तो उसमें आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा। वो भी एग्जैक्टली लेवल मोर और लेस आप वाला ही है, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे। तो वो भी आप प्लीज जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नए वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन पी डेज। 15 मैन टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ पी डेज। 21 वुमेन कैन डू ए सेम वर्क, और इसी वर्क को 21 वुमेन कैन डू इन पी माइनस 4, ये दोनों ही एक ही चीज हुई। और एक और आपको क्या दे दिया, 35 मैन कैन डू द सेम वर्क इन क्यू डेज एंड 63 वुमेन कैन डू द सेम इन क्यू माइनस 4 डेज। इसका मतलब ये सभी एक ही चीज है, इनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं, इनको इक्वेट आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, पी की वैल्यू आपको निकालनी है, व्हाट इज पी, तो अगर मैं इन दोनों को इनको इक्वेट कर लेता हूं तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, और 5 से करूं 5 7, तो आपके पास क्या आ गया, 3p इज इक्वल टू 7q या p अपॉन q इज इक्वल टू 7/3। तो अगर मैं ये मान लूं p की वैल्यू 7 के है तो q की वैल्यू 3 के आ गई, इनमें मैं पुट कर देता हूं तो 21 इंटू w इंटू p हो गया आपका 7k माइनस 4 इज इक्वल टू 63 w क्यू कितना है 3k माइनस 4। डब्ल्यू से तो आपका w कट गया, 61 63, ये 3 आ गया, तो ये 9k और ये 7k, तो यहाँ बच गया 2k, और ये 4 12 माइनस का हुआ, और ये माइनस का 4 है, माइनस का 12 इस तरफ प्लस का हो गया, तो ये हो गया 8। k की वैल्यू आपके पास आ गई 4, k की 4 है, तो आप इसमें ये p आपका कितना था, p इज इक्वल टू 7k, तो 7 × 4 28 डेज, राइट, इसको टिक कर दें। दूसरा आप यहां से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू इज इक्वल टू 3/7p। तो अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेट करके और क्यू को एलिमिनेट कर लेते तो भी पी की वैल्यू यहां से भी निकल जाती, जैसा आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन यहां फ्रैक्शन आएगा तो थोड़ा सा 10-5 सेकेंड वो आपकी ज्यादा खाएगा। ए कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी फॉर्म अमंग 4 वुमेन 5 मैन, मतलब टोटल हो गए 9 पर्सन से, और इनमें कमेटी बनानी है 5 आदमियों की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव लेस नंबर ऑफ मैन देन, लेस नंबर मतलब मैन कम होंगे वो मैन ज्यादा होंगे। 5 टोटल हैं तो क्या हो सकता है लेस के लिए, 2 मैन हो सकते हैं, 3 वुमेन हो सकते हैं, और 1 मैन हो और 4 वुमेन हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी आएगी, क्योंकि वुमेन 4 ही है। अगर आप 5 वुमेन करना चाहेंगे तो वुमेन 5 आपके पास नहीं है, 2 ही कंडीशन बनती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आपको 2 आदमी चुनने हैं, कितनों में से, 5 में से, 5c2, एंड 3 और चुननी है कितनों में से, 4 में से, 4c3, प्लस 4 का सेंस है प्लस आ गया। अब यहाँ क्या है, एक आदमी चुनना है 5 में से 5c1, और दूसरा 4 वुमेन में से 4c4, अपॉन ये कितना हो गया 9c5, 9 में से 5 चुनने, टोटल आउटकम, ये फेवरेबल आ गए, टोटल आ गए, तो यहाँ आप देखें तो ये आपके पास हो गया 10 × 4 + 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई, 5 × 1, और 4c3 में जब इनका डिफरेंस 1 होता है तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू यही आ जाती है, जब डिफरेंस 2 होता है और या यहाँ 2 होता है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 5 को उससे नेक्स्ट छोटी संख्या से गुणा करो और उसका हाफ कर दो, 5 × 4 = 20/2, और ये क्या आ गई आपकी 9 × 8 × 7 × 6,
और नीचे आ गई आपकी 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 6, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 यहाँ आ गया, तो आपके पास बच गया क्या 45 अपॉन 18 इंटू 7। तो अगर 9 से मैं काटूँ 9 पंजो 45 और 9 दुनी 18, 5 बाई 14, 5 बाई 14 देख लीजिए, 5 बाई 14 को टिक करेगा। इट ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म वाइल रनिंग 25 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 12 सेकेंड टू पास ए मैन वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर इन ओपोजिट डायरेक्शन। लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाउ मच मोर देन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन की जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसका डिफरेंस आपको पूछा गया। अब यहाँ आप देखिए 18 सेकेंड किस में लगे, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर आवर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 सेकेंड किस में लगे, दोनों को, मतलब ट्रेन की लेंथ भी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी, ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की यहां कितने टाइम में, 18 सेकेंड में, राइट? स्पीड आपकी 25 किलोमीटर पर आवर थी, और यहां आके क्या हुआ है 12 सेकेंड में उसने 5 किलोमीटर पर आवर की ओपोजिट डायरेक्शन में कोई मैन, तो ओपोजिट डायरेक्शन था, तो यहां रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी 25 प्लस 5, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपको लगा 12 सेकेंड, और यहां आपने किया क्या, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस ट्रेवल थी आपकी, राइट? अब आप एक चीज मानिए, अगर 12 सेकेंड आपको लगे 30 किलोमीटर पे, तो अगर ये 25 किलोमीटर की स्पीड होती तो कितना टाइम लगता, 20% और लगता, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो ये आपका अगर 2.4 में उसमें और जोड़ू तो 14.4 सेकंड में ये कवर करती, अगर स्पीड होती इसकी 25 किलोमीटर, मतलब अगर ये मैन स्टैंडिंग कंडीशन में होता तो 14.4 में कर देते। तो अब आप देखिए दोनों को लेंथ ऑफ मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करने में 18 सेकंड लग रहे हैं, और अकेली ट्रेन को जब क्रॉस करते हो तो 14.4 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितने लगे, 18 में से 15 गए 3.6 लगे आपको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने, तो इन दोनों का डिफरेंस टाइम का कितना हो गया, अगर मैं टाइम का डिफरेंस निकालूं 14.4 में से 5 निकाल दूं, 14.4 में से 4 निकाल दूं तो 10.4 और ये 0.4 वापस जोड़ दूं तो 10.8 सेकंड का डिफरेंस हुआ। आपको डिफरेंस निकालना है तो 10.8 सेकंड का डिफरेंस हुआ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और ट्रेन को क्रॉस करने में, यही लेंथ है, तो 10.8 सेकंड में और 25 किलोमीटर की स्पीड है 10.8 5/18 इंटू 25, यही तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 18 × 6 = 108.6, 6 × 5 = 33 और 25 × 3 = 75, तो 75 मीटर का इसमें डिफरेंस आ गया आपके इन दोनों में। ये मैंने आपको तरीका इसलिए बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कुल मिला के, क्योंकि इसमें वो कुछ और भी गुंडी फंसा सकता है। अब जो अपना कन्वेंशनल मेथड है उससे भी इसको मैं करके आपको बता देता हूँ। देखिए आई थिंक ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा अब तक कि क्या कुछ मैंने किया है इसके अंदर, राइट? अब देखिए इसमें दूसरा इसका क्या और मेथड हो सकता है, बट आपके मेंस में जा रहे हो तो सब तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन को वहाँ क्या थोड़ा लॉजिकल भी बनाया जा सकता है और घुमाया भी जा सकता है। मेंस ब्लैक क्लर्क की हो या पीओ की हो, मेंस में क्वेश्चन उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कम मिलते हैं कुछ, लेकिन पेपर टफ हो तो ढूंढ लेना, आसान भी उसमें क्वेश्चन होंगे, बट आने चाहिए आपको। अब देखिए अपने दूसरा तरीका इसका करें तो कैसे करें। अब इसने क्या दिया है, ए ट्रेन क्रॉसेज, मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन को मैं एल मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म को मान लेता हूँ लेंथ को पी, एल प्लस पी कितनी होगी, 18 सेकेंड लग रहे हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ट्रेन तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और टाइम कितना लगा इसमें 18 सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 25, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो 5 × 18 और इनटू 18, तो ये मेरे क्या आ गई 125 मीटर आ गई दोनों की लंबाई में, राइट?
अब दूसरा जो केस है इसमें क्या दिया है, यहां डिस्टेंस ट्रेवल सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन है, राइट। स्पीड यहां कितनी होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड दोनों की मिलके होगी 30 × 5/18 और टाइम लगा 12 सेकेंड। तो यहां अगर मैं देखूं 12 × 18 और 1.5 को अगर मैं यहां करूं तो ये हो गया 20, 100 मीटर हो गया। 100 मीटर क्या हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर मैं चलो यहां लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों की मिलकर 125, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस 25, और आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो 100 − 25 क्या हो गया, 75 मीटर, वही आंसर यहां भी आ गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, देर आर टू ट्रेन्स, द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 48 सेकेंड, द सेकेंड ट्रेन ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 48 सेकेंड। तो एक सेकेंड में अपने साथ साथ थोड़ा सा करें, मान लो इनका स्पीड एस ले लिया अपने, देर आर टू ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 48 सेकेंड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हुई, मतलब 48 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो टाइम हो गया आपका 48 सेकंड, और स्पीड मान लो एस, यही हुई लेंथ ऑफ ट्रेन। द सेकंड ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, दूसरी ट्रेन की भी लेंथ उतनी है एज ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज 20% मोर देन, इसकी 20% इसकी स्पीड, इसकी एस है तो उसकी 1.2 एस होगी। द सेकंड ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ एज दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, तो यहां उनका क्या हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ उतनी है इसकी भी, कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 60 सेकंड में कर रही है, और स्पीड यहां होगी 1.2 एस, 20% मोर है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन 48 एस है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी होगी, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन इसमें से मैं 72 एस हो गया, तो 72 में से 48 तो ये 24 × s हो गया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 48 × s, और ये हो गया 24 × s, s से s कट गया, जो भी एक दो रेशियो एक कहीं है क्या, पहला ही ऑप्शन है 2:1, ठीक, आई थिंक ठीक होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इन द फर्स्ट एंड सेकंड अलॉय आर, ये मान लो कोई एक तो यहाँ है और एक ये यहाँ है, यहाँ जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ किस रेशियो में है, इन द फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ 1:2 है और यहाँ रेशियो 2, ये भी जिंक एंड एल्यूमिनियम है, यहाँ 2:3 है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड दिस टू अलॉयज बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू अलॉय इन विच द टू एलिमेंट्स आर इन रेशियो, और यहाँ जो इनका मिक्स जो है उसमें क्या हो गया, जिंक रेशियो एल्यूमिनियम 5:8। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों का रेशियो कितना, इसमें कितने पार्ट लें और इसमें कितने पार्ट लें, राइट। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करें कि कोई भी एक ले लें, जैसे मैंने जिंक ले लिया, यहां से यहां जिंक का पार्ट कितना है फर्स्ट में, और ये मान लिया इसको सेकंड, यहां जिंक कितना है 1/3, और यहां जिंक कितना है 2/5, भाई दो पार्ट हैं, टोटल पार्ट 5 है, और जो आप मिश्रण बनाना चाह रहे हो उसमें जिंक कितना है 5/13, एलिगेशन का रूल लगाइए। अब यहां आपको दिखेगा कि ये तो हो गया एग्जैक्टली 40%, और ये 40 से कम है तो ये बड़ा है, 2/5 − 5/13, तो इसका मतलब यहां 5/13 − 1/3, राइट। अगर मैं यहां देखूं तो क्या आ जाएगा, 13 × 5 = 65, तो 26 − 25, और यहां 39, 13 × 39 = 15 − 13, राइट। तो आपका क्या बन गया ये, अगर मैं यहां देखूं 1/65, और ये हो गया 2/39, तो रेशियो आपका किस रेशियो में लेना है, वही तो रेशियो ये आ गया डायरेक्ट, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1/65 / 2/39, फर्स्ट रेशियो सेकेंड, राइट। तो 13 से मैं कैंसिल आउट, 13 × 39 = 13 × 65, इनको 15 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3,
और ये आ गया 10, 3:10 ऑप्शन टू इज द सॉरी राइट ऑप्शन। तो इसमें आपने क्या किया, जैसे दोनों में जो भी किसी एक, आप इसको जिंक को लेके मत करना, आप इसको एल्यूमिनियम से लेके करना, एग्जैक्टली यही आंसर उसमें भी आएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया, और भाई जैसे प्री में यही क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इतना कुछ नहीं देंगे, वो डायरेक्ट रेशियो वाले क्वेश्चंस दे देंगे जो आराम से मुश्किल से 20-30 सेकंड में हो जाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए बोट टेक सेम टाइम टू ट्रेवल 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर इन अपर स्ट्रीम, इफ बोट टेक सेम टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें क्या डिस्टेंस है टू ट्रेवल 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में 75 किलोमीटर तो स्पीड वहां क्या होगी, अगर मैं एक्स और वाई उनको मान लूं, एक्स बोट की स्टिल वाटर में और वाई स्ट्रीम की स्पीड, तो यहां आ गई 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो यहां होगी एक्स माइनस वाई, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यही हुआ 5/4, या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x - 5y 4x + 4y, तो ये क्या हो जाएगा x = 9y, ये एक रिलेशन आ गया आपका x और y का। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड, क्या पूछा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही पूछा। तो यहां x इज इक्वल टू 9y रख दो, तो स्पीड ऑफ बोट सॉरी स्ट्रीम नहीं x, तो x प्लस वाई कितना हो गया 10y, और ये आ गया आपका 9y इंटू 100, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 11.11, तो 111 ये वाला आ जाएगा ऑप्शन है 1/9, राइट। ये सभी मेमोरी बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसे कोई आपसे कोई नया कोई आविष्कार वहां मेंस में करवाने वाले हैं, ये सभी मेंस के ही क्वेश्चन है पिछले ही साल के। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 40 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डे इन सेकंड ग्रुप 60 मैन वर्किंग 4 डेज ए डे कैन डू ए डू ट्वाइस द वर्क, अज्यूम दैट द मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू ए सेम वर्क इन 2 आवर्स 4 मैन सेकंड ग्रुप 3 आवर्स। तो ये तो एक फॉर्मूला है छोटा सा, m1 d1 h1 e1 / w1, m2 d2 h2 e2 / w2, w1 w2 है उससे जो भी काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का फ्रैक्शन या पोर्शन कितना है वो, राइट। जैसे अब मैं यहां देखूं फर्स्ट, जैसे सबसे पहले E1 और E2 उनकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी आपको लास्ट में दी है, तो सबसे पहले ये निकालिए, इसके बिना कुछ भी नहीं होना। अज्यूम दैट 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, 3 M1 लिया अपन ने, तो फर्स्ट ग्रुप डू एज वर्क इन 2 आवर्स एज 4 मैन ऑफ द सेकंड ग्रुप इन 3 आवर्स, ये दे दिया। तो आप देखिए 3 से तो 3 कट गया, 2 से यहां 2 आ गया, तो M1 / M2 इज इक्वल टू 2/1, तो M1 दो यूनिट करता है और M2 करता है 1 यूनिट, तो E1 आ गया 2 और इसकी वैल्यू आ गई 1 फर्स्ट। दूसरा वो कह रहा है कि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सेकंड ग्रुप पे डे कैन डू ट्वाइस द वर्क, अगर W1 अगर W1 W है तो W2 2W है बायस। अब आप वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कितने, M1 की वैल्यू आ गया 40, D1 कितना 15 डेज, H1 8 आवर्स, और इफिशियंसी E1 कितना है अपना, M1 की इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट और W1 है सिर्फ W, M2 कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सेकंड ग्रुप ऑफ 60 मैन, और D2 आपको निकालना है, वर्किंग 4 आवर्स, इफिशियंसी 1 और वर्क हो गया आपका 2W। अब आपको W से W कट गया, अब ये जितना जल्दी आप इसको सोल्व कर पाए वही आपकी जीत है। अब अगर आप देखें कि 4
ये 10 हो गया, 10 से 2 20, ये 3 हो गया, 3 पंजो 15 हो गया, 8 पंजो 40 और 2 80, डी टू इज इक्वल टू 80 डेज। नहीं, एक ये दो और है, यहां दो और है, हाँ तो ये दो से ही तो गुणा किया है 2W को, तो ये आई थिंक 80 आ गया क्या, 8 पंजो 40 2 80 आई थिंक, और इसमें कुछ बचा नहीं, 80 है क्या इसमें, है तो सही 80, इसमें कहीं जोड़ बाकी में कहीं गलती हो तो दुरुस्त कर लिया करो, उसके लिए कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि करना किस तरीके, अप्रोच क्या रखनी है आपको, आप और कोई भी तरीका लेंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा, 100 तरीके हैं इसके करने की, बट अगर आपको छोटा सा इस फॉर्मूले में फिट करेंगे कि तुरंत प्री के टाइप ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अलॉय ऑफ कॉपर एंड आयरन, मतलब इसमें दे दिया कौन है, कॉपर है और आयरन है, एंड आयरन हैज 40% कॉपर, तो 40% अगर ये है तो ओबियस है आयरन 60% है, अगर मैं ये देखूं तो 2:3 इसका कॉपर और आयरन। अनदर ये मान लो फर्स्ट होगी, सेकंड कॉपर एंड आयरन, ये भी कॉपर एंड आयरन है, और यहां क्या है, एज कॉपर एंड आयरन, ये डायरेक्ट आपको 2:7 दे दिया, ठीक है। तो रेस्ट दीज टू अलॉयज आर मिक्सड इन रेशियो 5:3, मतलब इससे 5 पार्ट लिए हैं और इससे लिए हैं 3 पार्ट, या मैं कहूं कि ये 5x क्वांटिटी तो यहां से ले ली और 3x यहां से ले ली, या 5 के और 3 के ले ली, कोई बात नहीं। क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन फाइनल अलॉय, तो कुल मिला के आपको कॉपर और उनका पहले तो वो निकालना है, कॉपर और आयरन फाइनल क्वांटिटी में कितना हो, भाई टोटल 5x है, 5x का कॉपर कितना पार्ट है, 2/5 × 5x, राइट, और यहां कॉपर की क्या पोजीशन है, 2/9 × 3x, आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयरन को अगर मैं देखूं तो ये कितना आ गया, 3/5 × 5x प्लस 7/9 × 3x। अब आप जितना जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर पाए, 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 3, तो 2 और 2 से ही 2/3, तो या इसको मैं मान लूँ 2.66, या आप ये भी कर सकते हैं 3×6 = 8/3x हो गया, चलो 8/3, और यहाँ 5 से 5 कट गया और ये हो गया 3, 9 × 7 = 16/3, आई थिंक 16/3x, मतलब एक तरह से आप देखो तो ये क्या हुआ, ये 8/3 है, ये तो ये 1:2 में आ गया, भाई 3-3 तो कट गया, अगर मैं रेशियो देखूं तो कॉपर और आयरन ये दोनों कितने में हो गए, 1:2, यही तो हुआ, ये 8 पार्ट है, ये 16 पार्ट है, 1:2 में आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा है इसमें, कहां गया वो, इज क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर और लेस, तो व्हाट परसेंट मोर और लेस कितना आ गया, क्वांटिटी ऑफ आयरन, आयरन की मान लो यहां 2x है, ये तो कुछ जज क्वांटिटी आयरन इज व्हाट परसेंट, जैसे 8/3x भी मैं लूं, इज क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कॉपर, आयरन तो ये है 16/3, 16/3 माइनस 8/3 और बटा 8/3, तो ये तो हाफ ही तो हुई, एक्स एक्स कट गया इन टू 100, तो 8/16 में से 8 गया, 8/3 16 में से, तो ये तो एक हो गया, 100% हो गई क्या, आयर 2 - 1 बटा 1, ये तो 100% आ रही है यार, कहाँ कहीं गलती हुई है क्या, 100% तो आसपास भी ऑप्शन में नहीं। दोबारा देखिए, इन अलॉय ऑफ कॉपर एंड आयरन 40% कॉपर है, 60% ये हो गया, 2:3 आ गया बिल्कुल, और दूसरा जो है ये 2:7 आ गया। अब आपने कहा कि इसके 5 पार्ट लिए और ये 3 पार्ट लिए, राइट, ये 5x होगी मान लो और ये 3x होगी, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कॉपर हो गया इसमें 2/5 × 5x और इसका कॉपर इसमें आके मिल गया 2/9 × 3x, तो 2/5 से 5 कट गया 2x प्लस
दो बटा नौ इंटू तीन, तो तीन ये दो बटा तीन ही हुआ, दो प्लस दो बटा तीन तो तीन दून छः, दो आठ बटा तीन एक्स, और यहाँ तीन बटा पाँच इंटू पाँच तो तीन एक्स हो गया, और सात बटा नौ तो ये तीन, थ्री प्लस सेवन बाई तीन 16/3x हो गए। तो क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये तो 100% ही आ रहा है। दिस टू अलॉयज आर मिक्सड इन आयरन, क्वांटिटी ऑफ आयरन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन क्वांटिटी ऑफ कॉपर, तो ये तो इसका हाफ है, तो ऑब्वियस है 50% ही नहीं 100% ही नजर आ रही है। भाई ये इसका डबल है, भाई ये 8 पार्ट है तो ये 16 पार्ट, राइट, तो ये तो 100% ही। इसको थोड़ा सा आप भी देखना, मैं भी देखता हूँ कहीं कोई कहाँ गलती हो रही है। आई थिंक समझ आई लग तो ये ठीक ही रहा। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन सेशंस को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बीच बीच में थोड़ा इससे खांसी की वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खांसी ठीक हो, कोशिश हो भी रही है और खांसी कुछ ठीक भी हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।